हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर कट। सेल्फ हेयर कट है तो आप खुद से कर सकते हो, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा बातें ना करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बैंग कट करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। तो इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बालों को गीला करेंगे। ओके, यहाँ पे सावा बोतल मैंने रखा हुआ है। तो अच्छे से गीला कर लेंगे पहले बालों को। अभी हमको बैंग कट करना है, तो बैंग कट के लिए मैंने यहाँ से बालों को गीला कर लिया है एंड ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल लेंगे बालों की इस तरीके से। एंड सारे बालों को बैक के साइड में रबर बैंड लगा के या फिर क्लचर लगा के होल्ड कर देंगे। ताकि हमको कटिंग करने में दिक्कत ना आए। अगर आपको कम ज़्यादा लगे, जैसे हमारी यहाँ पे मांग थी, तो इस साइड का बाल कम ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए आप कॉम कर लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल बराबर रखिएगा। ओके, इस तरीके से आप बालों को निकाल लीजिए। इस तरीके से बालों पे क्लचर लगा लेंगे ताकि बालों को दिक्कत न रहे हेयर कट करने के लिए। अब हम लोग बैंग्स कट करेंगे। बैंग्स कट करने के लिए पहले हम लोग सेंटर पार्टीशन कर लेंगे इस तरीके से। या फिर सेंटर पार्टीशन नहीं करनी तो आप इस तरीके से करो एंड वी शेप में पहले इस तरीके से हेयर को निकाल लेंगे। सेल्फ कटिंग के लिए बता रही मैं। और ये बालों को पीछे इधर कर देंगे। एंड फ्रंट से बालों को इस तरीके से रखेंगे। आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, फोल्ड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, देन कट करेंगे। तो हमेशा मैं यहाँ पे लॉन्ग बैंग्स कट करती थी, बट आज मैं शॉर्ट कट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो नोज के बराबर में कट कर दी। नोज के बराबर कट करोगे तो आपकी आईज तक आएगा हेयर, ठीक है। या तो आप और छोटा करना है तो आप यहाँ से कट कीजिए। अगर आप यहाँ से कट करते हो तो क्या होगा कि आपका जो बैंग्स है वो एकदम बिल्कुल यहाँ पे चला जाएगा। मुझे बिल्कुल छोटे नहीं चाहिए तो मैं इस तरीके से कट कर दूँ। तो इतना लेंथ मैंने अभी निकाल दिया है और इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। तो मुझे बिल्कुल शॉर्ट नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, तो यहाँ तक मैंने कट कर लिया है। अब हम लोग दोनों साइड के हेयर को निकालेंगे। ये हमारी लेंथ कट हो गई है, इसको साइड में रख लेते हैं। बिल्कुल सेंटर पार्टीशन निकालेंगे। सेंटर पार्टीशन निकाल के सारे बालों को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे और जो हमने ये कट किया है उससे मिक्स करते हुए देखो आपको गाइडलाइन मिल गया है। अब बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। ये हमारा गाइडलाइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब इसके अकॉर्डिंग फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और यहाँ से इस तरीके से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे कुछ इस तरीके का कट आ जाएगा आपके बालों में। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं इतना शॉर्ट बैंग कट कर रही हूँ और ये इस तरीके का लुक आएगा। इसी तरीके से सेम हम लोग दूसरी साइड भी करेंगे। सारे बालों को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे। और फिर बिल्कुल सिंगल में स्ट्रेट रखेंगे
और जो हमारी गाइडलाइन है वहाँ तक फिंगर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट रखा हुआ है, गाइडलाइन आपको दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता इसलिए मैं बिल्कुल फिंगर को स्ट्रेट कर रही हूँ और यहाँ पे कट कर दूँगी सारे हेयर को। देन अगेन हमारी दूसरी साइड का भी बैंड जो है वो कट हो गया है, इस साइड का मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए छोटा बड़ा हो गया। तो यहाँ से मैं फिर से एक बार कॉम कर लूँगी। और गाइडलाइन क्या करूँगी कट कर दूँगी, अभी बिल्कुल बराबर है। और फिर से हम एक बार चेक करेंगे इसको, ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। इसको आप ब्लो ड्राई वगैरह करके अच्छे से सेट भी कर सकते हो। सेंटर पार्टी से आप रखोगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इसको आपको सेट करना पड़ेगा, देन एक साइड का तो मेरा ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है। और अगर आप पॉप वगैरह में ले लेते हो तो इतना भी निकलेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बहुत पहले मैं इस तरीके का बैंग कट रखती थी और अभी अगर आप सब आपको साइड से रखना है तो साइड से भी आप रख सकते हो। इसको ढीला करके एक बार सेट कर देते हैं अच्छे से। साइड से आप इस तरीके से रखोगे, देन इस साइड का जो हेयर है सूखने के बाद काफी अच्छा लुक आ जाएगा इसका। और आप चाहो तो स्ट्रेटनर से भी इसको सेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कैसे करना उसकी डिटेल वीडियो डाली हुई है, स्ट्रेटनर से आप कैसे ब्लो ड्राई करोगे और कैसे मतलब कटे हुए बालों को सेट करोगे। इस तरीके से काफ़ी प्यारा लग रहा है ये कटिंग जो उनको, एंड इसको आप बालों को इस तरीके से कॉम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इस तरीके से आप कट कर सकते हो। इस उगने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। एंड बैक से कट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे बालों से हमने ओपन कर दिया है, बैक से भी थोड़े थोड़े हेयर को कट करने की ज़रूरत है। तो फ्रंट से तो हमारा कटिंग हो चुका है बालों में, काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं बट कोई बात नहीं, उगने के बाद ही काफ़ी प्यारा लगने वाला है। तो वीडियो पे बने रहेगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपका हेयर कलर का। तो बैंग कट आपने देख लिया, एंड अगर पूरे बालों की कटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सारे बालों को गीला कर लेना है। इतने से ही काफ़ी लुक चेंज लग रहा है।
बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, सॉरी गीला कर लिया है। इस तरीके से कट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सारे बालों को सेंटर से पार्टीशन कर लेनी है, बीच की मांग निकाल बैक तक। इस तरीके से तो सारे बालों को कॉम करने हैं और फ्रंट की तरफ लेना है। बिल्कुल टाइटली एकदम कॉम करना है, देन बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लाके जैसे मैंने पहले कट किया था, जिस वीडियो में आपने काफी प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे रबर बैंड लगा लेना है। वो वीडियो आपने अभी वायरल है तो आप देख सकते हो उसको। इस तरीके से मैंने टाइटली रबर बैंड को लगाया है, बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पे भी बालों को शॉर्ट नहीं कर रही, मैंने बस यहाँ पे बैंग कट करना था, तो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर है इनको कट करके निकाल दूँगी, ताकि जो थोड़े मोड़े ऊपर नीचे हुए हैं वो इक्वल हो जाएं। तो आप देख सकते हो इसको मैंने कट कर लिया और इसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप देख सकते हो इसकी कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है यहाँ से और बिल्कुल बराबर भी है। अब बैक में करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है बाल। बैक से कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो अगर आप सेंटर से पार्टीशन बालों की रखते हैं तो आपका जो बैंक है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और साइड से रखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये हेयर कट। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे रखना है अपना बैंक, बाकी कटिंग मैंने यहाँ पे बता दी है आपको, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। किसी किसी ने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको हेयर कट पसंद आया हो एंड बैंग्स कट भी बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। किस किसने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे भी रख लीजिए, आपका बैंग्स जो कट है वो इधर उधर नहीं होगा, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देना होता है बस और ये अपने आप सेट हो जाता है हेयर कट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।